नमस्कार मित्रों, ताज़ी जानकारी है कि मशहूर यूट्यूबर इबलीस यादव को नोएडा पुलिस ने हिरासत में लिया है और 14 दिन की पुलिस रिमांड पर उन्हें मांगा गया है। और बहरहाल उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं। 5 प्रजाति के जहरीले सांप के विष के मामले में मशहूर यूट्यूबर अलग अलग तरह के प्रोपोगेंडा के जरिए सुर्खियों में रहकर सुर्खियां बटोरने वाले इबलीस यादव को 14 दिन के लिए हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बहरहाल इनके ऊपर कई आरोप, कई तरीके की चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं नोएडा पुलिस जब इन्हें गिरफ्तार करती है उसके बाद भी बीएपी मूवमेंट की सोशल मीडिया पर तमाम लोग आलोचना कर रहे हैं, बिना नंबर वाली गाड़ियां, तमाम चीज़ें। बहरहाल ये तो लोगों के बीच इमेज क्रिएट करके तमाम चीज़ें, वही भौकाल वाला एंगल चलता था, लेकिन यहाँ पर भी भौकाल सवालों के घेरे में नजर आता है। अलविश कुछ कहना चाहोगे? कुछ कहोगे भाई? भाई कुछ कहोगे? सेक्टर 20 के निरीक्षक द्वारा की जा रही थी और यह अभियोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के साथ साथ आईपीसी की धाराओं में पंजीकृत हुआ था। आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर अलविश यादव को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अलविश यादव पर कानूनी कार्रवाई करते हुए उनके सही स्थान पर 14 दिन के लिए भेजा गया है। बहरहाल किस मामले में कार्रवाई हुई वो भी देख लीजिए। This is a grade 1 crime, 7 years in jail. It's a wildlife crime. टीचर की भी लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन 14 दिन ये होली वाले जो जेल में होंगे, क्या पीएपी कल्चर और भौकाल से उसकी पूर्ति की जा सकती है? बहरहाल कानून में देर हो सकती है। कोई कितना भी वीआईपी हो या कितनी भी शोहरत का मालिक हो, कानून में एक जगह पर है। बहरहाल आगे जो भी अपडेट होंगे विशाल की रिपोर्ट पे आपको मिलते रहेंगे।